अपनी उम्र से कम दिखने के लिए क्या उपाय करें? तो अपनी उम्र से कम दिखने के लिए जिन उपायों को करना है, देखिए कुछ चीज़ें बहुत समझने की हैं, बहुत जानने की हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूं और इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। अगर आप अपनी उम्र से कम दिखना चाहते हैं, जो कि हर कोई चाहता है, तो आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे। इस कार्य में सबसे पहली चीज़ जो है आपका खान, आपको खाने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जो भोजन करते हैं वो पेट भरकर भोजन करते हैं। भारत में तो कहा जाता है पेट भरकर भोजन, पेट भरकर भोजन, पेट भरकर भोजन। ईमानदारी की बात यह है कि जिंदगी में कभी भी अगर आप स्वस्थ और आयु कम दिखाना चाहते हैं अपनी, तो आप पेट भरकर भोजन कभी भी ना करें। पेट भरकर भोजन आपके शरीर के लिए हार्मफुल है। जब भी भोजन करें आपके शरीर में, आपके अंदर थोड़ी सी भूख बकाया रहनी चाहिए। अगर आप बहुत हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपकी भूख थोड़ी सी रहना चाहिए। इतना भोजन न कर लें कि कुछ खाने की जगह ही ना हो। हमेशा इतना भोजन करें कि कुछ खाने की जगह रह जाए लेकिन खाना नहीं है। जीवन में ध्यान रखिएगा, आज इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा दर्शन जो बहुत बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ है वो ये कि आपकी डाइट में ज़्यादातर कच्चा भोजन होना चाहिए, ज़्यादातर कच्चा भोजन। और आप में से ज़्यादातर लोग कच्चा भोजन कम करते हैं। अगर आप कच्चे भोजन पर थोड़ा सा फोकस करें तो आप अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा कम, आज अगर हैवी भी दिखते होंगे तो कुछ टाइम बाद आप लाइट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कच्चा भोजन करते हैं तो ज़्यादातर लोग कच्चा, जैसे आज हमारे यहाँ कोई भी चीज़, जैसे हम लोग सब्जियाँ खाते हैं, हम लोग दालें खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदेशों में तो दालें इतनी नहीं खाई जाती जितनी हम और आप खाते हैं? आपने नोटिस किया? आप नॉर्मली डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो आपको दाल खाने के लिए बोलेंगे या दूसरी चीज़ों के बारे में बोलेंगे, पर ईमानदारी की बात बताऊं मैं अगर आपको, दालें खाने से परहेज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन दालें हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दाल खाने से, दालों को पचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है। दालों को जब हम दाल खाते हैं तो उनको पचाने के लिए हमको मैक्सिमम टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को भारी और चीज़ों से भर देता है। हाँ, लेकिन अगर आप दाल खाना चाहते हैं तो आप स्प्राउट के रूप में खा सकते हैं। स्प्राउट जैसे आपने गला दिया और दूसरे दिन सुबह थोड़ी बहुत उनमें अंकुर आ जाता है, जिसको अंकुरित दालें बोलते हैं, अगर आप वो खाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत शानदार हो जाएगी, बहुत शानदार हो जाएगी। इस बात को भी आपको समझना होगा। आपने नोटिस किया होगा आजकल लोग सलाद डाइट करने लगे हैं, सलाद की डाइट। ये किसी भी तरीके से बुरी नहीं है। दालें बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो सलाद बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, मींस हल्के हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ शाकाहार में भी, अगर भारत में बात करूँ तो भारत में शाकाहार में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि आप और हम उसे मसालों से भर दे रहे हैं, आप और हम उसे ग्रेवी से भर दे रहे हैं, आप और हम उसमें न जाने क्या क्या डाल दे रहे हैं। तो उसके अंदर के जो विटामिन्स है, उसके अंदर की जो ताकत है, वो हम बर्न कर देते हैं, गला देते हैं। अगर आप इस भोजन को पश्चिम की ओर से देखेंगे तो वो लोग बहुत कम यूज़ करते हैं तेल या घी आदि इत्यादि का, हालांकि अब वो भी देसी घी यूज़ करने लगे हैं। और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि अब मेडिकल साइंस कहने लगा है कि कोलेस्ट्रॉल इज़ गुड, जबकि आपको डरा दिया गया था बीच में कि कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड, जबकि कोलेस्ट्रॉल बैड भी है और गुड भी है, दोनों ही हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है चिकनाई। शरीर में चिकनाई की बहुत ज़रूरत है। आयुर्वेद कहता है कि आपके शरीर में अगर चिकनाई नहीं है तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा। आयुर्वेद तो ये भी कहता है कि अगर आप अपने अपने घर में बना हुआ देसी घी प्रतिदिन गौ माता का एक चम्मच सुबह प्रातःकाल नन्हे पेट सेवन कर रहे हैं तो आपका शरीर आनंद से भर जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कर पाते,
ऐसी बहुत सारे, हमें डरा दिया गया। अब जिन डॉक्टरों ने डराया था वही कह रहे हैं नहीं कोलेस्ट्रॉल तो ज़रूरी है, चिकनाई तो ज़रूरी है। तो आप समझिए इन्होंने प्रैक्टिकल हम सब पे ही किया और हम सबको बुद्धू बना दिया। तो अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो थोड़ी सी डाइट प्लान कर लीजिए। डाइट प्लान इन द सेंस आपके खाने पीने के तरीके को प्लान कर लीजिए। तो करना क्या है आपको, आप कोशिश कीजिए सुबह उठकर जल्दी कुछ कुनकुना पानी आदि इत्यादि ज़रूर लें। उसके बाद आप लिक्विड डाइट लें। लिक्विड डाइट में आप लौकी का जूस ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो दाल का पानी भी ले सकते हैं। इसमें सुबह के टाइम आप स्प्राउट ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। रात का गला हुआ अंकुर, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद होगा। गेहूं की रोटी एक या दो ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात आपके लिए दिन में, लेकिन रात्रि के भोजन में आप कोशिश कीजिए इसमें आप आधे पेट भूखे रह जाएं। अगर आप आधे पेट भूखे रह जा रहे हैं रात्रि में तो आपका लाइफ, आपकी साइकिल, आपकी एज, बहुत सारी चीज़ें आपके हक में होंगी। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और बहुत ज़्यादा अचार अगर आप खाते हैं तो आपका शरीर पकने से अर्थात बूढ़ा होने से जल्दी कोई नहीं रोक सकता। दो तीन चीज़ें अपनी डाइट में से हटा दीजिए। एक, बहुत दिन का गला हुआ अचार। जब गर्मियां आती हैं तो आप जब कैरी का अचार डालते हैं, शुरू में वो बहुत हार्ड होता है सर मैं, लेकिन अक्सर लोगों को देखना लोग उस अचार को धूप में रख कर गला देते हैं, वो लसलसा और पतला हो जाता है। असल में वो टेस्ट में तो ठीक है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत दिक्कत वाला है ये अचार। इस तरह का अचार भविष्य में आपको कैंसर भी परोस सकता है, आपको शायद नहीं मालूम, क्योंकि वो गल और सड़ चुका है, वो टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें उसमें डली हैं आपको नहीं मालूम। दरअसल जब उसकी स्किन टूट गई, जैसे नींबू का अचार बहुत पुराना हो जाएगा, टेस्ट तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन वो जर्जर हो जाता है, ऐसे ही आम का अचार जर्जर हो जाता है या बाहर मिलने वाले अचार। दो तीन चीज़ें और समझ लीजिए अगर आप अपनी डाइट, अपने परिवार को सुंदर रखना चाहते हैं। एक, अचार आपका घर का होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, अगर आप खा रहे हैं तो वैसे बिल्कुल ना खाएं। दूसरी चीज़, पापड़। पापड़ अपनी डाइट से आप हटा दीजिए, अगर आप ले रहे हैं तो आपको नुकसान करेगा ही करेगा, इसमें कोई आपको नहीं रोक सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज़, आप अपनी डाइट में चीनी को बहुत ज़्यादा दूर करने का प्रयास कीजिए। चीनी के बजाय आप खांड, चीनी के बजाय आप व्हाट कैन से गुड़ का उपयोग करें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। कई लोगों को मैंने देखा है वो लोग शुगर शुगर करते हैं और एक गिलास कहते हैं कि एक गिलास हम इच्छा हो रही है कि हम गन्ने का जूस पी लें, लेकिन वो एक गिलास गन्ने का जूस नहीं पीते, लेकिन वो एक चम्मच शक्कर खा सकते हैं। मतलब वो कहते हैं चलो एक आध चम्मच, आधी चम्मच में कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5 से 7 गिलास जब आप जब ये यूज़ करोगे गन्ने के रस का गिलास, तब जाके आधा चम्मच शक्कर तैयार होती है, तो सोचिए उसमें शुगर कितनी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप यूज़ करना और नहीं यूज़ करने, कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं करना है, अगर आप ये करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। तो अगर आप वास्तव में उम्र से कम दिखना चाहते हैं तो आपकी डाइट का ध्यान रखिए, दोपहर में लीजिए भोजन अच्छी बात है, सुबह स्प्राउट्स आदि ले लीजिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और बहुत ज़्यादा चाय से बचें आप, और रात्रि का जो भोजन है आपका लगभग 8 बजे तक हो जाए। अगर आप इतना कर सकते हैं तो तय मान के चलिए आपके जीवन में बाहर आ जाएगी और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। प्राणायाम, योगाभ्यास आदि इत्यादि भी बहुत आवश्यक है।